नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी मुझे बहुत सारे टेक्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि भैया मेरा इतना रिजल्ट आया है, मेरा इतना रैंक हो गया है, तो मुझे पता चल गया कि कहीं ना कहीं आज एली का रिजल्ट आया है। काफ़ी बच्चे हैं जो कि एक्साइटेड है रिजल्ट को लेकर, काफ़ी बच्चे हैं जो कन्फ्यूज है, और काफ़ी बच्चे बिल्कुल उदास हैं। मैं समझ सकता हूँ, ये तीन तरह के बच्चे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इट्स अ नॉर्मल। ये पहली बार नहीं है, हर साल ऐसे होता है कि एक बच्चे जो कि बिल्कुल सिक्योर है, जिनका रैंक वो बहुत खुश है कि चलो कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगी ही अपने पसंदीदा ब्रांच के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ओके, कुछ बच्चे जो कन्फ्यूज़ है, तो देखो जो कन्फ्यूज़ है उसके लिए एक ही सुझाव है कि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है तो तुम्हें जैसा भी कॉलेज मिले ना, तो बस ग्रेजुएशन कर लेना। बट अगर तुम गुड, अच्छे, तुम्हारा कोर सब्जेक्ट, तुमको लग रहा है कि तुम कोर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो और तुम्हें ब्रांच अपने मन के मुताबिक नहीं मिल रहा है, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीटेक करना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेट आपको बीटेक करने के बाद भी जॉब लेनी है। मेरा कंसर्न सबसे ज़्यादा है जिन बच्चों का नहीं हुआ, आपने मेहनत किया और आपका नहीं हुआ। तो बच्चों देखो, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। कहा गया है कि गिरते हैं सहसवारे ही मैदाने जंग में, वो तिल में क्या, कुछ ऐसा है कि लाइक जो गिरना और उठना, इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हो या कुछ ऐसा कोई बात नहीं। ये एक बहुत एग्ज़ाम है, सिंपल एग्ज़ाम है। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि एली एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ना लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसमें बहुत अच्छे बच्चे का नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया उसका हो जाता है। तो ये गेम दूसरा गेम है। अगर आपका नहीं हो पाया कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने आप पे फुल विश्वास रखना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, इससे बेहतर मेरे लिए रखा होगा। जीवन में हमेशा हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा, आज मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया और मैंने वो सारी फेज देख रखी है, तब एक अनुभव के रूप में मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से हमने एक बस एक गुड़िया है, हम बस इस गेम का एक हिस्सा है। हर कुछ जितना भी चीज़ है सब डेस्टिनी ने लिख रखे हैं, आपकी डेस्टिनी ने आपको कहीं और जाने के लिए तय कर रखा होगा। हो सकता है कि ये एक साल आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग साल होने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड अभी तक है, वो 10th करके डिप्लोमा किया था और उसका बहुत ज़्यादा मन था। मैं उसको बोलूँगा कि इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो अपना कमेंट करे, उसको मैं पिंग करके बोलूँगा, नंदन उसका नाम है। तो उसका बहुत मन था कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका बीटेक नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसने अगले साल भी बीटेक अप्लाई किया, फिर बीटेक नहीं हो पाया, उसका लैली नहीं निकला। फिर उसने अप्रेंटिस कर लिया, एक साल का अप्रेंटिस उसने इंडियन ऑयल में किया। ओके, उसके बाद उसका NTPC में हो गया और वो आज एक अपनी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। ओके, तो और ज़रूरी नहीं है कि बीटेक करना ज़रूरी था, वो बीटेक करने के बाद एक जैसी लाइफ होनी चाहिए, उससे बेहतर लाइफ वो जी रहा है, दैट्स इट। तो लाइफ आपको कहाँ ले जाएगी वो आप तय नहीं करोगे, आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक्शन करना है। एक्शन मतलब क्या, जिसका हो गया है वो अपना नेक्स्ट प्लान बनाओ, जो कन्फ्यूज्ड है वो थोड़े दिन के बाद उसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, और जिसका नहीं हुआ वो अपना वेकअप प्लान बनाओ। आपको उठने का प्लान बनाना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप ना डाउन हो गए हो, आप गिर गए हो, आप असफल स्थिति हो गए हो, तो इट्स जस्ट अ फेज। ओके, तो आपको बाउंस बैक का प्लान बनाना पड़ेगा कि हाउ यू कैन बाउंस बैक। ओके, बाउंस बैक करने का मतलब होता है कि आपको अपना एक साल का स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। इन एक साल में आपको क्या करना है, आपको अप्रेंटिस करनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है किसी चीज़ की, SSC JEE की तैयारी करना। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो यू कैन डू सम काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट कोर्स लाइक कोडिंग, समथिंग लाइक दैट। अगर आप किसी कोर ब्रांच से हो तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर फ्रॉम SSC काइंड ऑफ जॉब्स लाइक दैट। इसी के भी हो तो भी ये काम कर सकते हो। एक साल बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी डिस्टेंस आपको तय नहीं करनी है, अभी आग बंद करोगे अगला साल आ जाएगा। तो बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन, खास करके जिसका नहीं हुआ है। इफ यू आर लाइक, अगर आप अपने आप को थोड़े से लो महसूस कर रहे हो, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन Instagram itself। अगर लगेगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए तो हम आपसे बात भी करेंगे। ओके, प्लीज 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 वेक अप एंड बाउंस बैक।
जिंदगी बहुत बड़ा जंग है। कहा गया है पीयूष कुमार की एक रचना, पीयूष मिश्रा की एक रचना है कि जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। जिंदगी प्रेम गीत नहीं है। जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर आप जिंदगी में कभी सीख नहीं सकते हो। अगर आप इस बाउंस बैक को समझना, दिस बाउंस बैक विल गिव यू लाइक अल्टीमेट पावर, ट्रस्ट मी। बेस्ट विशेज।